आपने लाया वो भविष्यवाणी बनाइए सुनाइए। एक लेडी है, हमारे दोनों हाथ देख सकते हैं, फोटोग्राफ है, और वो पढ़ती है जो चीज दोनों ने सब लिखा मेरे बारे में। माता जी को प्रणाम एवं चरण स्पर्श। हस्तरेखा के विषय में बहुत ही अल्प ज्ञान है। मैंने जो कुछ थोड़ा सा हस्तरेखा को पढ़ा उसके बारे में मैं लिखने का साहस कर रही हूँ। माँ तो इतनी महान है कि क्या अपने हाथ से लिख सकूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी थोड़ा सा जो देखा है लिखती हूँ। पहला, आपके जन्म से कुछ समय पूर्व और पश्चात घर में धन धान्य शांति रुके हुए कार्य पूर्ण हो गए होंगे। पूर्व के चले हुए कुछ अशांति यदि झगड़े चल रहे होंगे तो शांत हो गए होंगे, हर्ष उल्लास का वातावरण बन गया होगा। नंबर टू, आप में कुछ अद्भुत सी शक्ति विद्यमान है। आपकी आंखों को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें मणि के समान प्रकाश वाली दिव्य शक्ति स्थित है, जिन आंखों से आप सब कुछ समझ लेती होंगी। बीती हुई व आने वाली घटनाओं का आपको आभास होता होगा, जिनको आपने वात्सल्य पूर्वक करुणापूर्ण आंखों से निहारा होगा वह तो निश्चय से ही तर गए होंगे। जिसको आपने क्रोध से देखा उसका तो बुरा निश्चित ही है, क्योंकि आप अच्छे बुरे झूठ सच की अच्छी पहचान है। आडंबर आपको पसंद नहीं, कोई एक्टिंग कर रहा हो झूठ बोल रहा हो तो आपको गुस्सा या नाराज होना निश्चित है। कुछ शब्दों में कह सकते हैं कि आपका ज्ञान अपरंपार है, आपकी दृष्टि भी दिव्य है। नंबर तीन, आप बचपन से ही जिद्दी थी, कितनी बार तो माता पिता भी परेशान हो जाते होंगे। जिद्दी का अर्थ है आपने जो कुछ सोच लिया वही करना है। शांत स्वभाव वाली, सरल व गूढ़ विचारों वाली, दूसरों को परखने वाली, करुणा भरी स्वभाव वाली है। कभी कभी आप बच्चों जैसा सरल व अबोध व्यवहार भी करती होंगी। अहम भी आपका स्वभाव है। अहम का अर्थ है कि आपने जो कुछ कह दिया वह सत्य है, अपनी बात कभी नीची नहीं होती। इसको भी यही कहा जा सकता है कि आप दृढ़ निश्चय भी हैं। आपका निजी जीवन भी सुखमयी था। आपके हाथ की रेखाओं को देखने से पता चलता है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण होगा। आप दोनों के विचार शुरू में भिन्न होते हुए भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, पर आपकी बात ज्यादा मानी जाती थी। घर में डिसिप्लिन आपका ही चलता था, जबकि पति भी ग्रेट पर्सनैलिटी वाले होंगे। बच्चे भी आपके बहुत ही सभ्य सुशिक्षित होंगे। आपका पूरा प्यार सहयोग मिला होगा, तब ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे। आपको भी पति व बच्चों के समान से सम्मान मिला होगा। आपका स्वभाव नारियल की तरह है, ऊपर से कठोर अंदर से नम्र। नेक्स्ट, करुणा स्वभाव आपकी विशेषता है। गरीबों का उत्थान करना, उत्थान करने वाली, असहायों की सहायता व रुग्ण बीमार लोगों की सहायता ही आपका स्वभाव है। धन की अधिकता होते हुए भी कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया, पैसों पर घमंड कभी नहीं किया। कहने का अर्थ यही है कि धन के बीच रहते हुए भी उससे अछूती रही। नेक्स्ट, यश की रेखा तो आपकी बहुत लंबी है। अपने कार्य और व्यवहार दोनों से आपने सबको आकर्षित किया होगा। यश तो चारों तरफ बचपन से ही होगा, जहां कदम रखे वहां वाह वाह होती है। जिस काम को हाथ में लिए सफलता आपके कदम चूमती है। कोई भी कार्य करते समय आप अपना दृढ़ निश्चय बनाती हैं, निसंदेह होकर लक्ष्यों की पूर्ति करती हैं। दूरदर्शी प्रतिभाशाली आप हैं।
अध्यात्म की तरफ ध्यान आपका बचपन से ही था। 20-25 साल की थी तब इस ओर ज्यादा ध्यान मन एकाग्रित हुआ। आप निरंतर अपने मार्ग पर जन कल्याण हेतु चली। आपका धर्म कोई विशेष नहीं है, आपका धर्म तो अध्यात्म का मार्ग है, आत्मा का कल्याण करवाना है, आत्म साक्षात्कार करवाना है, जो सब धर्मों का सारभूत है। किसी भी धर्म की आप आलोचना नहीं करती होंगी, सब धर्मों का आदर करती होंगी। नेक्स्ट, आप अपनी बातों में ही बहुत ही रहस्यपूर्ण ज्ञान दे देती हैं। सागर में सागर की संज्ञा आपको दी जा सकती है। आप अपने छोटे से प्रवचन में बहुत कुछ समझा देती हैं। सहजता ही गुण है, सुनने वाले प्रभावित होकर सत्य के मार्ग की तरफ मुड़ जाते हैं। आपके करोड़ों अनुयायी बन गए होंगे। घूमना ही आपका जीवन है, आपके चरणों में जरूर कोई चक्र होगा, भ्रमण ही करती रहेंगी। नेक्स्ट, आप दीर्घायु हैं, कभी 75 साल की आयु में के बाद एक झटका सा लग सकता है, वरना आयु बहुत बहुत लंबी है। अंत में दो शब्दों में हस्तरेखा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आपका भावी जीवन जन कल्याण के लिए होगा। अपने भक्तों को भी आप इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर देंगे। फिर भी यह कह जा सकता है कि काल के प्रभाव से जितना आप लक्ष्य लेकर चलती हैं, उतनी 100% सफलता आपको मिलती नहीं होगी। मैं अपनी किसी भी त्रुटि के लिए माफी मांगती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी क्षमा याचना स्वीकार करेंगे। श्री माता जी, मैं आपको सविनय प्रणाम करती हुई आशीर्वाद चाहती हूँ। कमाल है, मेरे सिर्फ फोटोग्राफ में मेरा हाथ देख करके और उन्होंने मेरे बारे में सब वर्णन किया। हस्तरेखा फोटो है, फोटो मतलब क्या मैं नाम पता है, छापू गया चैतन्य लहरी में छापू। कमाल है, सिर्फ हाथ को देखे वो भी फोटो में आप इतना कुछ लिख सकते हैं, कमाल है। Gracias.